ठीक है, आज हम स्क्रू फास्टनिंग्स की बात करेंगे। सो कैन यू टेल मी कि व्हाट इज स्क्रू फास्टनिंग, इसको बोलते हो? स्क्रू फास्टनिंग का क्या मतलब? यस, एनीवन? दिस इज नॉट अ न्यू टर्म, पहले सुन चुके हैं। बताएं, टेम्पररी जॉइंट्स पढ़ा है ना हमने? यस, एनीवन? कोई नहीं। सो टेम्पररी जॉइंट्स जो है, इन सम केसेस वी यूज एलिमेंट्स विच कैन बी इजीली असेंबल्ड एंड डिसेंबल्ड। सो स्क्रू फास्टनिंग्स आर द टेम्पररी जॉइंट्स। दिस द जॉइंट कैन बी सेपरेटेड वेरी इजीली, वी कैन अनस्क्रू और वी कैन डिसेंबल द जॉइंट्स बाय रिमूविंग दिस एलिमेंट्स। सो there are screw fasteners are there, means there is a element which is known as the bolt, and there is a another element which is known as the nut. So nut is fixed on the bolt, or the there is a stud, which is another term used for the bolts. And these elements have some arrangements, means some helical curve is generated on the surface. ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस, सो दे फॉर्म अ स्क्रू, उसको हम बोलते हैं स्क्रू थ्रेड्स। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज व्हिच आर इन द स्क्रू फास्टनिंग्स। ठीक है, सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड स्क्रू थ्रेड्स, कि थ्रेड्स क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज है इसकी। सो स्क्रू थ्रेड कैसे बनता है, कि इट इज फॉर्म्ड बाय कटिंग अ हेलिकल ग्रू ऑन अ सिलेंड्रिकल सरफेस। सो सिलेंड्रिकल सरफेस में हम हेलिकल ग्रूव को कट करते हैं, तो दे टेक द फॉर्म ऑफ अ स्क्रू थ्रेड, एंड द थ्रेडेड रॉड इज कॉल्ड अ स्क्रू। इट इंगेजेस इन अ करस्पॉन्डिंग थ्रेडेड होल इनसाइड नट और अ मशीन पार्ट। कोई मशीन पार्ट है या कोई नट है, उसमें इंटरनली थ्रेड्स आर देयर, होल है उसमें थ्रेड्स करे हुए। सो द स्क्रूज आर यूज्ड फॉर जॉइनिंग टू पार्ट्स टेम्पररी, देयरफॉर सच अ जॉइंट इज नोन एज द डिटेचेबल जॉइंट, टेम्पररी जॉइंट। एंड थ्रेड्स आर जनरली कट ऑन अ मशीन कॉल्ड अ लेथ। सो लेथ इज अ मशीन ऑन विच द थ्रेड्स आर कट, एंड ऑन स्मॉल साइज स्क्रू थ्रेड इज ऑफन कट बाय मीन्स ऑफ अ टूल कॉल्ड अ डाई। डाई से भी हम थ्रेड को थ्रेड जो है फॉर्म करते हैं, बट दैट इज फॉर अ स्मॉलर साइज ऑफ स्क्रूज। अ स्मॉल साइज होल इज थ्रेडेड बाय मीन्स ऑफ अ टूल कॉल्ड अ टेप। और होल में जब हम थ्रेड करते हैं, तो दैट इज नोन एज अ टेप। सच अ होल इज कॉल्ड टेप्ड होल। सो लेट्स अंडरस्टैंड द वेरियस टर्मिनोलॉजीज, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है। दिस इज अ स्क्रू थ्रेड, ये एक स्क्रू थ्रेड है। सो दिस इज अ सिलेंड्रिकल बार जिसमें ये ग्रूव्स कट किए हैं। सो वन टर्म इज द क्रेस्ट, सो दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ थ्रेड। थ्रेड का जो आउटर मोस्ट पार्ट है, this is the outermost part, so this is known as the crest. Root is the innermost portion of a thread, ye jo innermost portion hai thread ka, so this is known as the root. And the flank, so the surface between the crest and the root is called the flank of the thread. So this flank is nothing but a surface between the crest and the root. Ye crest aur root ke beech mein jo surface hai, isko kehte hain flank. एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन द फ्लैंक्स मेजर्ड ऑन एन एक्सियल प्लेन। सो ये जो फ्लैंक के बीच का जो एंगल है, दैट इज नोन एज द एंगल, इसको एंगल बोलते हैं। डेप्थ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड द रूट। क्रेस्ट और रूट के बीच का डिस्टेंस है, मेजर्ड एट राइट एंगल्स टू द एक्सिस। ये एक्सिस है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हम मेजर करते हैं राइट एंगल्स, इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं। So this is represented as a depth, ये depth.
क्रेस्ट और रूट के बीच की डिस्टेंस के लिए. इट इज इक्वल टू हाफ द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड डायामीटर एंड द रूट और द कोर डायामीटर. सो the root diameter or the crest diameter, this is known as the outside diameter or the inner diameter, that is the crest, root or core diameter. इन दोनों का जो difference है वो depth के बराबर होता है. Nominal diameter, so it is the diameter of the cylindrical piece on which the thread is cut. The screw is specified by this diameter. So this is the nominal diameter जिसके ऊपर हमने thread को cut किया है. Outside or major diameter, so it is the diameter at the crest of the thread measured at right angles to the axis of the screw. Then core or the minor diameter, so that is the diameter at the core or root of the thread. So it is the smallest diameter of the screw and is equal to the outside diameter minus twice the depth of the thread. So that is the relation. Effective diameter, it is equal to the length of the line perpendicular to and passing through the axis and measured between the points where it cuts the flanks of the thread. So effective diameter. So this is the effective diameter. ये यहाँ से line बनाई. So this is the line which is perpendicular to the axis which cuts the flanks. So pitch. So it is the distance measured parallel to the axis between a point on one thread form and a corresponding point on the adjacent thread form. That is from crest to crest or root to root. It may also be described as the reciprocal of the number of threads forms per unit length. Number of thread forms per unit length. इसको इस तरह से भी define करते हैं. So this is the pitch. ये या तो हम इस जैसे ये वाला thread लिया, इस thread पे जो crest है और दूसरे उसके बाद दूसरा जो thread है उसके ऊपर जो crest है, इन दोनों के distance लेने, या जो root है जैसे ये वाला root और इसके बाद वाला जो thread ये root, इन दोनों रूट के बीच का डिस्टेंस ले लें. सो दिस इज आल्सो नोन एज द पिच. लीड, सो इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सिस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ थ्रेड टू अ करस्पोंडिंग पॉइंट ऑन द सेम थ्रेड आफ्टर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन. सो जैसे ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस सेम पॉइंट को हम मेजर करेंगे जब ये स्क्रू थ्रेड वन रिवोल्यूशन का टर्न ले लेगा. तो वन रिवोल्यूशन का टर्न लेके लेटर सपोज कि इसकी पोजीशन यहां पे आ गई, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड हुआ, that is known as the lead. So it can also be described as the distance moved by a nut in the axial direction in one complete revolution. So the lead is equal to the pitch in case of single start threads. Then the slope. So the slope of a thread is equal to half the lead. Lead ke half is the slope. Forms of a screw threads. So there are two basic forms of screw threads. One is the V thread or another, and another one is the square thread of form. Yeah, this figure represent, here the left figure represent the V thread of form, that is the thread is a form V shape, and here it is a square shape. Yeah, cross section is a square, so a square form of threads are used. This is internal and this is external thread. Yeah, external V thread, yeah, internal V thread. V thread ko triangular threads bhi kehte hain. So external thread is what? So a thread cut on the surface of a screw is called external thread, while that cut in a hole is called an internal thread. Triangular or V threads ke aur bhi forms hai. So let's understand. One is the unified thread. So the unified thread is represented by this shown in the figure. This is the internal unified thread and this is the external unified thread. So unified screw thread profile is basic ISO basic profile. This is the ISO basic profile. So two separate ISO series based on inch and metric system of measurement with this common basic profile of the thread. So there are two series which are available. One is the inch series and another one is the metric series. The external thread on a screw varies slightly in shape from the internal thread inside and out. So this is the slight difference is there. The internal thread and external thread, the angle of thread is 60 degree. Here also it is 60 degree. Here the capital D means this distance, this yahan se leke yahan tak ye, the depth of thread, that is equal to 0.86 times the pitch. Here also it is 0.86 times the pitch,
एंड हियर द स्मॉल डी दिस डिस्टेंस, ये जो सर्कुलर है यहाँ से, है ना, नीचे वाला जो पोर्शन है राउंडेड किया हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है स्मॉल एस, और यहाँ पर ये कट किया हुआ है, ये फ्लैट. सो दिस इज स्मॉल डी, दिस इज 0.54 टाइम्स पी, और इस केस में एक्सटर्नल के केस में 0.61 पी. सो दिस इज द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दिस, ऑल अदर डायमेंशंस आर रिलेटेड विद दिस. So the angle of the 360 degree, roots of both internal and external threads are rounded. So here the roots, ये जो roots ये rounded किया है, ये threads ये round roots, दोनों में external और internal दोनों में ये rounded. While the crests are cut parallel to the axis of the screw, ये जबकि जो इसका जो crest है, ये इसको parallel axis के cut किया है, इस तरह से thread के form है. The root of the internal thread is rounded within the depth of d by 8. So rounded का जो portion है वो d by 8 है. कितना round करना है ये? So this is d by 8. और कितना ये flat cut करना है? It is capital D by 4. और capital D is related to pitch. That is 0.86 times pitch. The maximum depth of engagement between the external and the internal thread is 5 d by 8. This is the depth of engagement दोनों thread के बीच में, internal और external thread के बीच में. So this is a table. External thread, internal thread, thread angle is 60 degree. Theoretical depth is this. Theoretically depth is this. Actual depth is this. And this is the inch. Or this is the number of threads per inch. This is in inch system. Huh? In nominal diameter, how these threads are represented? One nominal diameter is 1/4 inch, then 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, and so on. So in 1/4 inch nominal diameter, there are 20 threads per inch, and the core diameter is equal to this. So we can refer this table. This is available in the design data book. At any instant, we can find out the this core diameter and number of threads per inch with respect to the nominal diameter. Another form of VR triangular thread is a metric thread. So in this system, the pitch of the thread instead of the number of threads per unit length is fixed. So here the pitch is fixed. So metric thread is designated by the letter M followed by the nominal diameter. This I'm baat karte hain ki yaar, we can use स्क्रू हियर M20 का स्क्रू लगेगा या M10 का लगेगा या M15 का लगेगा या M16 का लगेगा. सो व्हाट दिस मींस, M16 और M20 हो गया या M10 हो गया, ये क्या है? सो दिस इज द मैट्रिक रिप्रेजेंटेड मैट्रिक फॉर्म ऑफ थ्रेड्स. दिस थ्रेड इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर M. सो दिस M20 फॉर एग्जांपल M20. सो दिस 20 रिप्रेजेंट द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द स्क्रू इन मिलीमीटर्स. So this is as per the Indian standard 4218 and 91976 and IS 11698 1986. So this is a crest yahan par, aur root bhi round, root rounded hai, aur jo crest hai wo flat cut hai yahan par. So sorry, this is a unified thread, metric thread ka diagram isme miss ho gaya. I will correct it, है ना? हम बाद में इसको करेक्ट कर लेंगे. Whitworth thread. So here this form of thread is also known as the British standard Whitworth BSW thread. Here the angle of thread is 55 degree. ये जो angle है, the flank के बीच में angle, इसको बोलते हैं angle of screw, है ना, thread. So it is 55 degree. Theoretical depth O की बात करें, so this is equal to 0.96 times the pitch. Okay, ye theoretically depth jo iski hogi pitch ka, 1/6 of the theoretical depth is rounded off at the top, at the bottom. Yahan par jo crest aur root hai, ye dono rounded hai, jabki metric thread aur unified thread mein जो रूट था, रूट तो राउंडेड था, जबकि क्रेस्ट जो है वो फ्लैट कटा हुआ था पैरेलल टू द एक्सिस. यहाँ पर इस फॉर्म ऑफ थ्रेड में, विटवर्थ थ्रेड में,
क्रेस्ट और रूट दोनों राउंडेड है, ये दोनों राउंडेड है। सो कितना राउंडेड है? डी बाय सिक्स के बराबर, दोनों इक्वली राउंडेड है डी बाय सिक्स। सो दिस इज द एक्चुअल डेप्थ, डी स्मॉल डी, कैपिटल डी इज द थ्योरेटिकल डेप्थ। सो डी इज 0.64 टाइम्स एच। ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन एंड ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड्स, सो दिस हैव द सेम विटवर्थ प्रोफाइल। दोनों थ्रेड का जो प्रोफाइल है वो विटवर्थ प्रोफाइल होता है, और बट देयर पीचेस आर फाइनर एंड हेंस द डेप्थ स्मॉलर। द डेप्थ इज स्मॉलर व्हाइल द पीचेस आर फाइनर, सो दस दे हैव लार्ज इफेक्टिव एंड कोर डायामीटर्स देन द बीएसडब्ल्यू थ्रेड्स। बीएसएफ थ्रेड्स आर जनरली यूज इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट वर्क, एंड बीएसपी थ्रेड्स आर यूज फॉर द गैस स्टीम और द वाटर पाइप्स। देयरफॉर ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप पाइपिंग सिस्टम में जो थ्रेड्स यूज होते हैं वो बीएसपी थ्रेड्स, दैट इज बीएसडब्ल्यू का मॉडिफाइड फॉर्म। सो दे आर स्पेसिफाइड बाय द बोर ऑफ द पाइप एंड नॉट बाय द आउटसाइड डायामीटर। पाइप के केस में बोर ऑफ द होल डायामीटर उससे होल से रिप्रेजेंट करते हैं। Thus, the outside diameter of a threaded pipe having a bore of 1 inch nominal diameter is 1.309 inch. And pipes of 1 inch to 6 inch diameters have the same number of threads per inch. 1 inch se leke 6 inch ka diameter hai, uske liye number of threads per inch same rehte hain. That is 11. The Bureau of Indian Standards recommends pipe threads according to IS 2643-197. Ye hamara Indian standard hai, jisne jo पाइप वाले स्टैंडर्ड्स जो है वो रिकमेंड किए हैं। अनदर फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर अवी थ्रेड इज द सेलर्स थ्रेड। सेलर्स थ्रेड में क्या डिफरेंस हुआ? सो दिस फॉर्म ऑफ थ्रेड इज अडॉप्टेड एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म इन यूएसए। यूएसए में स्टैंडर्ड थ्रेड का फॉर्म है, एंगल 60 डिग्री का है एंड 1/8 ऑफ द थियोरिटिकल डेप्थ इज कट ऑफ पैरेलल to the axis of the screw at the top and at the bottom. यहाँ पर top और bottom, top और bottom में देखा जाए तो top और bottom जो है दोनों को flat cut किया है parallel to the axis instead of rounding, है ना? Rounding देखा है हमने, so rounding नहीं किया इसमें, sailor thread में इसको parallel to the axis cut किया है, crest को भी और root को भी, दोनों को भी, ठीक है? So this is the थ्योरिटिकल डेप्थ कैपिटल डी, और एक्चुअल डेप्थ जो है वो ये स्मॉल डी से रिप्रेजेंटेड है। और डी बाय 8 कितना डिस्टेंस, कितना कट किया इसको? डी बाय 8 के बराबर, यहां भी डी बाय 8 के बराबर। सो दिस इज द थ्योरेटिकल एग्जैक्ट डेप्थ 0.86 पी, और जबकि एक्चुअल डेप्थ जो है ये 0.649 टाइम्स पी। डी बाय 8 यहां पे कट किया, डी बाय 8 यहां पे कट। देन ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड बीए, सो इट इज जनरली यूज फॉर स्मॉल इंस्ट्रूमेंट स्क्रूज। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें जो स्क्रू होते हैं आपने देखा होगा तो राउंडेड होते हैं। सो द एंगल ऑफ द थ्रेड इज 47.5 डिग्री, सो दिस एंगल इज 47.5 डिग्री का होता है। 0.236 ऑफ द थियोरिटिकल डेप्थ इज राउंडेड ऑफ एट द टॉप एंड एट द बॉटम। सो इसका टॉप और बॉटम दोनों को राउंड किया हुआ है। सो हमें एक्चुअल डेप्थ जो मिलती है वो 0.236, leaving the actual depth to 0.6. Theoretical depth, this is the theoretical depth, and this is the actual depth. Then the square threads, so this is the basic form of a square thread. It is generally used for the transmission of power. This is our screw jack. The screw jack may be, if you look at it, normally the preferred form of thread is screw threads. Because उसको टर्न करते हैं तो लिफ्ट द लोड एंड लोअर द लोड, एंड इन लेथ आल्सो, लेथ में भी हाफ स्क्रू एंगेजमेंट जो होता है दैट इज डन यूजिंग द स्क्वायर थ्रेड। ये स्क्वायर थ्रेड, ये हमारे जितने भी वाइस है, वाइस में आपने देखा होगा, सो स्क्वायर फॉर्म ऑफ थ्रेड्स आर यूज्ड। सो इट इज आल्सो यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग लार्जर एक्सियल मूवमेंट ऑफ द नट और द स्क्रू पर रिवॉल्यूशन। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन जो हम इसको यूज करते हैं कि लोड को लिफ्ट करना या लोअर करना, तो एक्सियल मूवमेंट
in one revolution mein larger travel kare. So that is the basic use. So for the same nominal diameter of the screws, the pitch of the square thread is usually greater than that of the triangular thread. सेम डायमेंशंस की बात करें स्क्रू वी थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड की, तो इस केस में पिच इज लार्जर देन द वी थ्रेड. द डेप्थ एंड द थिकनेस ऑफ द थ्रेड आर इच इक्वल टू हाफ द पिच. ये डेप्थ और इसकी विड्थ जो है दोनों हाफ द पिच के बराबर होती है. दे आर यूज्ड इन लीड स्क्रू ऑफ अ लेथ मशीन, जैक स्क्रूज एंड वाइसेस. एक में थ्रेड Indian Standard 700A-1988. It is easier to cut and is stronger at the root than the square thread. Root may it is stronger than the square thread. Square thread ka modified form hai ek method. So it is particularly used where the nut, which is made in two parts, is required to engage with or disengage from a screw at frequent intervals, as in the leading screw of the lathe. लीड में जो लीड स्क्रू होता है हाफ नट एंगेजमेंट, जिसमें हाफ नट होता है टू पार्ट्स होते हैं, उसके साथ में एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट करना हो, इज इट देन वी यूज दिस थ्रेड. सो द थ्रेड एंगल इज 29 डिग्री. थ्रेड एंगल 29 डिग्री का होता है. डेप्थ डी 0.5 टाइम्स पिच प्लस 0.25 mm का होता है. थिकनेस ऑफ द थ्रेड एट द क्रेस्ट इज इक्वल टू 0.3707 टाइम्स पिच. नकल थ्रेड इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द स्क्रू थ्रेड, square thread. So it is formed by rounding off the corners of the square thread to such an extent that it has a completely rounded profile. Matlab iska crest aur root ko jo hai wo hum rounded kar diye, so aisa completely round ho gaya. Its section comprises of semicircles of radius r, which is equal to 1/4 of the pitch. The depth is 0.5 times pitch, and this thread can withstand heavy wear and rough usage. So they are used in coupler of railway carriages and electrical bulbs. So this is an example of knuckle thread. Buttress thread. So buttress thread is a combination of the triangular and the square threads. Dono ka combination. One flank of the thread is perpendicular to the axis of the screw. This one thread is perpendicular to the axis of the screw. The angle between its two flank is 45 degree, and this angle is 45 degree. So this is a combination of the square and triangular thread. The theoretical depth is equal to the pitch. Theoretical depth ye pitch ke barabar hai. This theoretical depth, that is yahan se leke yahan tak. While 1/8 of the pitch is cut off parallel to the axis at the crest and the root, or जो इसका क्रेस्ट है और जो रूट है उसको कट किया हुआ है फ्लैट एक्सिस के पैरेलल, इस तरह से कट किया हुआ राउंडिंग, इट इज फ्लैट. सो दैट इज अ डी बाय 8. कितना कट किया? डी बाय 8 डिस्टेंस इज डी बाय 8. द थ्रेड इज सुटेबल ओनली व्हेन द फोर्स एक्ट्स एंटायरली इन वन डायरेक्शन, इज शोन बाय द एरो एफ. ये फोर्स यदि इस डायरेक्शन में ही लग रहा है एंटायरली, तब हम इस थ्रेड को यूज करते हैं. दिस इज द डायरेक्शन, axial direction. Its use is commonly made in the screws of a bench vise. Bench vise may be thread from use of. This is the related with the representation of threads. So conventional representation of threads. On drawing sheet par thread ko kya convention kaise hum represent karte hain. So this is as per the Indian Standard 696-1972. So threads are usually shown by conventional methods. So there are two methods which are used. This is method one. This conventional method is recommended for use by the Bureau of Indian Standards for metric screw threads and square threads, for which standards have been published. So this is the representation. So there is a one big circle, one circle, complete circle, and there is another circle, but that is not a complete circle, it is 3/4 circle. Okay. So this is the representation of external threads. This is jo outer circle hai wo represent the nominal diameter, jo internal circle hai wo represent kar raha hai ki crest root ka diameter. Okay.
ये कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है एक्सटर्नल थ्रेड्स के लिए, पर इंटरनल थ्रेड्स दिस इज द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब आउटर वाला सर्कल यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा, इट इज 3/4, और इनर वाला सर्कल कंप्लीट होगा। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड एंड इंटरनल थ्रेड। सेकेंड मेथड एक्सटर्नल वी थ्रेड। सो दिस थ्रेड इज थ्रेड इन इट्स आउटसाइड व्यू इज शोन बाय स्लोपिंग स्ट्रेट लाइंस, स्लोपिंग स्ट्रेट लाइंस से शो करते हैं ये एक्सटर्नल। अल्टरनेटली थिन एंड थिक एंड स्पेस्ड 1/2 द पिच अपार्ट, पिच के आधी अपार्ट डिस्टेंस पे शो करते हैं। द स्लोप इज केप्ट इक्वल टू हाफ द लीड, द थिक लाइंस आर ड्रॉन शॉर्टर देन द थिन लाइंस by a distance equal to 1/2 the pitch on each side, thus indicating the roots of the thread. Internal V thread, in its outside view, this thread is shown as described in the method 1. This is method 1 में show किया हुआ है। External square thread, square thread के लिए क्या representation? This thread is represented by sloping parallel lines. Spaced 1/2 the pitch apart, ये इस तरह से parallel line से show किया है। The depth of the thread is also equal to 1/2 the pitch. In case of a square thread of large size, the back portion of the thread is also drawn as shown in the figure. Back portion is also drawn. Internal square thread, so in its outside view. This thread also is shown as described in the method 1. Yeah. This is the method 1. This is method 1. In its sectional view, it is shown by parallel lines sloping in opposite direction. So the depth of the thread is shown at right angles to the axis. Depth of the thread is shown as right angles to the axis of. Then there are multiple start threads also which are used. So in a single start thread, the pitch is equal to the lead. Lead or pitch. Lead is what? The distance traveled in one revolution, in one rotation of the thread. Since the depth of the thread is dependent on the pitch, so greater the lead, greater will be the depth of the thread, and smaller will be the core diameter. So when a nut is required to move a considerably long axial distance in one revolution, that is when the lead is large, the core diameter of the screw in a single start thread will be so much reduced as to make the screw too weak. So multiple starts ke kya requirement hai ki hame axial direction mein longer distance travel karna hota hai. To usse kya hota hai ki depth jo hai wo increase karte hain. तो उसको इंक्रीज करने से क्या होता है, स्क्रू बिकम्स वीक एट द रूट, रूट पर वीक हो जाता है। सो उस वीकनेस को कवर अप करने के लिए, सो दैट इज अवॉइडेड, हम मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड्स करते हैं। सो क्या होता है मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड्स की, इन विच टू आर मोर थ्रेड्स हैविंग द सेम पिच इज इन अ सिंगल स्टार्ट थ्रेड बट विथ इंक्रीज लीड रन पैरेलल टू वन अनदर। मतलब एक थ्रेड हमने बनाया तो वो वाला थ्रेड जब कंप्लीट होगा तभी वो एक्शन डिस्टेंस उतना मूव करेगा। इसमें क्या करते हैं कि एक थ्रेड जब स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ में दूसरा वाला थ्रेड भी स्टार्ट हो जाता है, उसके साथ में एंगेजमेंट में आ जाता है। सो इसको बोलते हैं मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड। सो द पिच बींग द सेम द डेप्थ ऑफ द थ्रेड रिमेन्स द सेम एज इन अ सिंगल स्टार्ट थ्रेड एंड द कोर डायमीटर आल्सो रिमेन्स अनअफेक्टेड। So the depth of the thread in each case remains the same, that is 1/2 pitch, while the slope is equal to 1/2 the corresponding lead. So the relationship between the lead and the pitch in case of multiple start नहीं हो जाएगा। Single start है, pitch और lead बराबर। Double start है, तो यहाँ पर double start means दो pitch है वो two times, lead जो है वो two times the pitch हो जाएगा। और triple start में three times the pitch हो जाएगा। ये, this is single start. ये सिंगल स्टार्ट पिच और ये लीड बराबर। डबल स्टार्ट, दिस एल इज इक्वल टू ट्वाइस पिच हो गया।
और ट्रिपल स्टार्ट ये एल, दिस एल इज इक्वल टू थ्री टाइम्स द पिच, ये वन पिच, ये टू पिच, ये थ्री पिच, मतलब पहला वाला जो थ्रेड है वो कंप्लीट होने के पहले ही यहाँ पर एक थ्रेड और फॉर्म हो गया, वो थ्रेड उसके साथ में एंगेजमेंट में आ जाता है, और फिर वो दूसरा वाला जब कंप्लीट होता है उसके पहले यहाँ पे तीसरा वाला थ्रेड भी उसके फॉर्म में आ जाता है। सो एक्चुअल डिस्टेंस एक रोटेशन में वो इट विल कवर थ्राइस द डिस्टेंस पिच के बराबर। दिस राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड थ्रेड्स, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्रेड्स वी थ्रेड के, ये राइट हैंड थ्रेड और ये लेफ्ट हैंड थ्रेड। So if a nut when turned in clockwise direction screws on a bolt, the thread is a right hand thread. But if it screws off the bolt when turned in the same direction, the thread is said to be left hand thread. मतलब normal जो है कि हम clockwise clock के direction में nut को rotate करते हैं, तो वो screw होता है, that nut moves on the bolt. लेकिन हम उसको opposite direction में rotate करते हैं तो बाहर की तरफ move करते हैं, मतलब joint separate होते हैं। तो यदि नट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से वो स्क्रू हो रहा है थ्रेड पे, तो राइट हैंड थ्रेड है, लेकिन यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तब भी वो जो है वो बोल्ट में स्क्रू हो रहा है ना, मतलब बोल्ट जॉइंट टाइट हो रहा है, तब हम उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड थ्रेड। सो ये दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर हमें थ्रेड फॉर्म करना है, कौन सा थ्रेड बनाना, M20 का, 20 नॉमिनल डायमीटर है, मैट्रिक थ्रेड है, और यहाँ पर इसके साथ में लिखा LH, मतलब ये जो थ्रेड बनेंगे वो लेफ्ट हैंड थ्रेड बनेंगे। सो दिस इज स्क्रू थ्रेड्स, नाउ देयर इज अनदर पार्ट दैट इज नोन एज बोल्ट्स, सो दिस बोल्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, इट इज ओके, नॉर्मली इतना तो जो है वो पढ़ चुके हैं स्क्रू थ्रेड्स का, इट्स नॉट अ न्यू टॉपिक, जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा।